अस्सलाम वालेकुम जनाब, दिस इज मी गॉसिप गुरु। गेम शो ऐसे चलेगा, सीजन 8 का होने जा रहा है सबसे बड़ा मुकाबला जनाब, टिकटॉकर्स वर्सेस यूट्यूबर्स। जनाब टिकटॉकर्स वो पहली टीम है क्योंकि टिकटॉकर्स आज अपना पहली मर्तबा ग्रैंड फिनाले खेलने वाली है। हालांकि अगर हम बात करें यूट्यूबर्स की, तो यूट्यूबर्स के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि किस तरह प्रेशर को हैंडल किया जाता है और फाइनल में किस तरह मुकाबला किया जाता है। जनाब आज मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको आज फिनाले की एक एक चीज़ दिखाऊं, एक एक चीज़ से आगाह करूं कि आज शुरू से लेकर आखिर तक क्या हो रहा होगा, और आज आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ होने वाला है। ख़ास तौर पर ऑडियंस के लिए आज बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। वो सरप्राइज़ क्या होगा दानिश भाई आपको लाइव शो में बताएंगे, और जो दानिश भाई आपको सरप्राइज़ आज देंगे उससे उस सरप्राइज़ की जो डिटेल होगी मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने व्लॉग में आपको दे सकूँ। और अभी तक के जनाब जो सेट के मनाजिर है वो ये हैं कि चारों टीम्स के जो डग आउट्स हैं वो लग चुके हैं। हुसैन यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है, जैज़ी जो है जनाब वहाँ पर बैंड की टीम के पास मौजूद है, उनकी वहाँ पर प्रैक्टिस चल रही है। बाकी के जो कंटेस्टेंट हैं वो मेकअप रूम में अभी उनकी तैयारियाँ चल रही हैं। और अब आपको लेकर चलते हैं सबसे पहले ऑडियंस के पास, और ऑडियंस से पता करेंगे कि वो कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर आइए मेरे साथ। वेल जनाब, तो मैं ऑडियंस वाले हिस्से में मौजूद हूं और इनसे पता करते हैं कि ये कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स। यूट्यूबर्स टिकटॉकर्स। आई लाइक इट। अच्छा, ये सिर्फ लाइक करती हैं इसलिए टिकटॉकर्स को पसंद करती हैं। जरनाब या रबीका? नहीं नहीं, मैं यूट्यूबर। मैं यूट्यूबर, मतलब मैं यूट्यूबर, मैं भी यूट्यूबर हूँ ना। तब भी यूट्यूबर हो तो आप यूट्यूबर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। जरनाब रबीका? जरनाब। ओके जी, रबीका। यूट्यूबर्स टिकटॉकर्स? टिकटॉकर्स। यूट्यूबर्स टिकटॉकर्स? टिकटॉकर्स। यूट्यूबर्स टिकटॉकर्स? टिकटॉकर्स। यार ये तो लड़का ऐसे मुंह छुपा रहा है जैसे इसकी दुल्हन हम ढूंढने निकले हैं और इसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। जी टिकटॉकर्स। टिकटॉकर्स। वेल जनाब, और हम सर से बात कर सकते हैं क्या? ओके वेल जनाब, टिकटॉकर्स यूट्यूबर्स? यूट्यूबर्स। वेल जनाब, तो अभी तक हमने आई थिंक 20-25 लोगों से बात की और उनका कहना ये है कि यूट्यूबर्स के चाहने वाले जनाब बहुत ज़्यादा हैं। फुटबॉलर हो? फुटबॉलर। वालेकुम अस्सलाम, तुम मुझे फुटबॉलर लग रहे हो यार। क्यों, ऐसा क्यों? तुम्हारे बाल, तुम्हारा गेटअप, तुम्हारी पर्सनैलिटी। यार क्रिकेटर। किसको सपोर्ट कर रहे हो? टिकटॉकर्स को। क्यों? अच्छी है उनकी एक्टिंग भी, अच्छी है सिंगिंग भी, अच्छी है सब अच्छा है उनका। यूट्यूबर्स का भी अच्छा? किसने बोला एक्टिंग? अभी लारेब खड़ा हुआ है सामने, पता चल गया मारने आ जाएगा तुम्हें। एक्टिंग अच्छी नहीं है उनकी जितनी टिकटॉकर्स की अच्छी है। यार यूट्यूबर्स की एक्टिंग अच्छी नहीं है, मतलब यूट्यूबर्स को एक्टिंग करना नहीं आती? आती है उतनी अच्छी नहीं जितनी उनकी अच्छी है, थोड़ी बहुत आती है। किसको? अस्सलाम वालेकुम सर। सर डर लग रहा है आपको देख के मुझे। सर मारेंगे तो नहीं आप? कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? यूट्यूबर्स। क्यों यूट्यूबर्स को क्यों सपोर्ट कर रहे हो? लारेब की वजह से। जी आंटी। यूट्यूबर्स। यूट्यूबर्स बेटा। आंटी आप? अच्छा जी, आगे चलते हैं और इसे पता करते हैं, यूट्यूबर्स टिकटॉकर्स? यूट्यूबर्स। यूट्यूबर्स। टिकटॉकर्स। टिकटॉकर्स। टिकटॉकर्स को क्यों सपोर्ट कर रही हो? हुसैन और रबीका की वजह से। आंटी सबसे बुरा तो वही दोनों खेलते हैं। रबीका बुरा खेलती है पर हुसैन बहुत अच्छा खेलता है। रबीका बुरा खेलती है, रबीका सुन लो जी, पूरा इतना सा मुंह है और इतना बड़ा बिस्किट है तो कैसे बोला जाएगा यार? टिकटॉकर्स यूट्यूबर्स? टिकटॉकर्स। क्यों टिकटॉकर्स? उसमें हुसैन है जी। टिकटॉकर्स। ओके भाई, टिकटॉकर्स यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स में ही पागल हो जाऊंगा जी। यूट्यूबर्स। अंकल सोच रहे थे मैं क्या बोलूं, मुझे लग रहा था अंकल बोलेंगे चैंपियंस या तो मुझे लग रहा था अंकल बोलेंगे इंस्टाग्रामर, ऐसा ही अंकल? नहीं नहीं बस यही है अंकल बोलने बस। ठीक है जी अंकल। टिकटॉकर। टिकटॉकर्स क्यों? बस सर कोई रीजन? नहीं रीजन कोई नहीं, बस टिकटॉकर। ओके जी आंटी। टिकटॉकर्स। कितनी प्यारी बच्ची है यार, ये टोपा कितना प्यारा है आपका पिंक कलर का, ये मैं ले लूँ आपसे टोपा? मैं मुझे पहनना है ना ये? नहीं। अच्छा कौन सी टीम को सपोर्ट कर रही हैं? टिकटॉकर्स। टिकटॉकर्स को क्यों सपोर्ट कर रही हैं? जल्दी बताओ ना जी। जी जी सर, किसको सपोर्ट कर? टिकटॉकर। टिकटॉकर्स। टिकटॉकर। टिकटॉकर। यूट्यूबर। यूट्यूबर। टिकटॉकर। यूट्यूब। यूट्यूब बाबा। यूट्यूब।
यूट्यूबर्स जी आंटी टिकटॉकर्स अरे वाह भाई वाह, ये तो मैं भी खाऊंगा भाई। क्या नाम है आपका? जी आंटी आप बताएं। यूट्यूबर्स भाई, यूट्यूबर्स के चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं। वेल जनाब, तो आपको हमने जो यहाँ पर ऑडियंस मौजूद थी उनसे बात करवाई, तीन खवातीन यहाँ पर बैठी हुई हैं, जल्दी से उनके पास चलते हैं, उनसे पता करते हैं। जी यूट्यूबर्स टिकटॉकर्स यूट्यूबर्स आंटी क्यों यूट्यूबर्स क्यों? बस अच्छा खेलते हैं लारे। तो टिकटॉकर्स से नहीं खेलते? खेलते। फिर आपने क्यों कहा यूट्यूबर? लारे मुझे बहुत पसंद है इसलिए यूट्यूबर जीता। सबसे बेकार तो लारे खेलता है। नहीं, वो मुझे बहुत पसंद है। बुरा खेले अच्छा खेले वही जीते। मतलब बुरा खेले अच्छा खेले आपको लारे पसंद? जी वो जीते। आप? मुझे भी लारे और बलाज बहुत पसंद है। बलाज, अच्छा लारे की कोई स्पेशल चीज बताएं? बस वो बहुत प्यारे लगते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं जी। इनको लारे और बलाज इनका फेवरेट है। वेल जनाब, तो आपको लेकर चलते हैं दूसरी तरफ, और यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे हमने उनसे बात की, और फिलहाल अभी हमें ये पता चला कि जितनी भी ऑडियंस यहाँ पर मौजूद है जनाब, किसी ने टिकटॉकर्स का कहा और किसी ने यूट्यूबर्स का कहा। जनाब आज है गेम शो ऐसे चलेगा के मैदान में सबसे बड़ा टाकरा, और टिकटॉकर्स वो टीम है जो आज पहली बार गेम शो का फाइनल खेलेगी। अभी तक के मनाजिर ये थे, अब आगे क्या होने वाला है, वो क्या सरप्राइज होगा जो आज दानिश भाई गेम शो में आपको बताएंगे, जब तक आपको मेरे साथ रहना है। जनाब तो ऑडियंस से आपकी बात करवा दी, जो ऑडियंस यहाँ पर मौजूद है, और आपने उनका नज़रिया सुना कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। शो से पहले दो मिनट के बाद शो लाइव जाने वाला है, और जरना बलाश वहाँ पर मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं, और उनकी वहाँ पर प्रैक्टिस चल रही है। उमर यहाँ पर आ चुका है, उमर अपना व्लॉग बनाने में मसरूफ है। माशाल्लाह आज बहुत प्यारा लग रहा है, ब्रांड पहन कर आया है जनाब, देख सकते हैं ब्रांड पहन कर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? सर कैसे हैं आप? नहीं सर नहीं, भाई बोलो सर नहीं। उमर भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, मालिक का एहसान है। कोई नाटक नहीं चलेगा, कोई सियासत नहीं चलेगी, बस ये बता दो आज कौन जीत रहा है। आज दोनों यहाँ हुसैन है तो वहाँ लारे पे दोनों जान मारते हैं। सही है, वहाँ पे जेजी है तो बलाज है, तो जरनाब और रबी का मैं बोलता हूँ आज 50-50, आज कुछ कह ही नहीं सकते। पहले होता था कि यार 60-40 ये वो होता, आसान कर देते, उधर लारेब है तो उधर बलाज है, ऐसा ही नहीं? यहाँ हुसैन। अच्छा हुसैन, ओके हुसैन और लारेब, रबी का या जरनाब? दोनों भाई बेस्ट है। मैं न्यूट्रल बात करता हूँ, पहले मैं बोलता था 60-40 है, वो आज 50-50 है, क्योंकि रबी का भी बहुत अच्छा खेल रही है और जरनाब खेलते हुए आ रही है, और वो फाइनल में उनका एक कॉन्फिडेंस हाई है। आप जाओ किसी और से बात करने जा रहे हैं। सर मैं एक बात बोलूँ आपको, आप मुझे पता नहीं क्यों अच्छे लगने लगे। थैंक यू यार। Well, जनाब थैंक यू सो मच। मिट्टू हमारे साथ मौजूद है। मिट्टू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिट्टू कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मिट्टू कैसे हैं? मैं ठीक हूँ भाई, आप सर किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं तो किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि जो टीम जीतेगी यार। ऐसी रैंडम टिकटॉकर्स यूट्यूबर्स यार दोनों को कर रहा हूँ। ओके जी, मेरी फेवरेट टीम यूट्यूबर है। ओके वेल जनाब, तो आपने मेरे बहुत सारे व्लॉग्स देखे होंगे जो मैं यहाँ पर बनाता हूँ, वो ये बंदा है वामिक, जो मेरे व्लॉग्स वगैरह बनाता है। वामिक कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत प्यारे लग रहे हैं आज आप। थैंक यू सर जी। आप सुन रहे हैं, आपके बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। और आप रात में बात करते हैं वीडियो कॉल पर? आप शर्मा क्यों रहे इतना? नहीं मैं शर्मा नहीं रहा, मैं आपको बोल रहा हूँ किसी से नहीं बात करता। किसी से तो करते हैं, क्या नाम है उसका? मैं किसी से भी नहीं करता। पक्का? पक्का। आप घबरा क्यों रहे इतना? मैं घबरा नहीं रहा। घबरा नहीं, नहीं लोग देख रहे हैं। हाँ लोग देख रहे हैं, लेकिन मैं घबरा नहीं रहा। अमीर खैर यार मैं मजाक कर रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है, ये लड़कियों से बात करता है लेकिन वीडियो कॉल पे नहीं करता, वैसे करता है। अच्छा टिकटॉकर्स या फिर यूट्यूबर्स? यूट्यूबर्स। क्यों यार, क्यों यूट्यूबर्स क्यों? वो अच्छा खेलते हैं, उनकी गेम्स वगैरह हर चीज़ उनके ना वो परफेक्ट हैं, तो इसलिए, और हर दफ़ा जीतते भी आ रहे हूँ। हर चीज़ परफेक्ट है भाई, उनमें हर चीज़ परफेक्ट है, हर चीज़ ना। हाँ हर चीज़ ना, हर चीज़। ओके वेल जनाब, तो अभी तक के मनाज़िर ये थे, और आई थिंक एक मिनट के बाद शो लाइव जाने वाला है। शो शुरू होने से पहले के मनाज़िर आपके सामने हैं, शो में क्या होगा क्या नहीं होगा सारी डिटेल मैं आज आपको दूंगा, कोशिश करूँ कि एक एक चीज़ आप तक पहुँचे, तो साथ रहिएगा। वेल जनाब, तो टिकटॉकर्स की टीम के कुछ कंटेस्टेंट यहाँ पर मौजूद हैं, इमरान यहाँ पर मौजूद है, हुसैन यहाँ पर मौजूद है, और उनकी यहाँ पर प्रैक्टिस चल रही है जनाब, क्योंकि आपको पता है कि आज का शो बड़ा ख़तरनाक है, परफॉर्मेंस जानदार,
और कड़ाकेदार वाली देनी है। तो जरा हुसैन लगे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, अभी हम इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इनसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनका आज का मुकाबला बड़ा सख्त है, बड़ा टकरा है। इमरान की तरफ से भी टिप्स दी जा रही हैं कि आपको ये स्टेप करना है, वो स्टेप करना है, इस तरह की वेरिएशंस लेकर आनी है। और इमरान के साथ साथ जैन भी इनको बता रहा है, जैसी वहाँ पर बाल बनाने में मसरूफ़ है, जैसी की मुझे कोई तैयारी नहीं लग रही है, जैसी का कोई इरादा नहीं लग रहा है कि वो अपनी टीम को जितवाए, साथ रहिए। वेल जनाब, एक घंटे का खेल बाकी है और ब्रेक के मनाजिर आपके सामने, दानिश भाई एक कंटेस्टेंट को प्रैक्टिस करवा रहे हैं और एक अलग ही गहमा गहमी आज मौजूद है जनाब। इंस्टाग्रामर्स के कंटेस्टेंट, चैंपियंस के कंटेस्टेंट यहाँ पर मौजूद हैं, बाकी के कंटेस्टेंट वीडियोस बनाने में मसरूफ़ हैं। शताज जनाब यहाँ पर बैठी हुई है और उसकी बहन भी आई हुई है, एक अलग ही माहौल है आज जनाब। अच्छा, मैं ये पता करता हूँ कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनको क्या लगता है कि कौन से नंबर में 10 लाख रुपए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अल्लाह का शुक्र। चलो तो सिर्फ ये बता दें, 10 लाख रुपए कौन से ब्रीफकेस में? पता नहीं, सिर्फ दानिश भाई को पता, इसके अलावा किसी को भी नहीं पता। ऐसे तुक्का भाई, पता ही नहीं है किसी को, दानिश भाई को पता है सर। ओके यार, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए कौन से ब्रीफकेस में? 5 नंबर। 5 नंबर में 10 लाख रुपए कौन से ब्रीफकेस में? 10 लाख रुपए 8 में। शताब्दी, 10 लाख रुपए कौन से ब्रीफकेस में है? जो मैंने घर में रखा हुआ है। बताओ तो कौन सा? तुक्का 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 7 नंबर में। ब्रीफकेस 10 लाख रुपए कौन से नंबर में? पेन में और बेजी दादी। आएंगे वो जनाब, दानिश भाई जा रहे हो देखें और शो के बाद आपको दिखाएंगे साथ ही। वेल जनाब, गेम शो ऐसे चलेगा सीजन 8 का आखिरी मरहला जनाब आपके सामने मौजूद है और 2 ब्रीफकेस बाकी हैं सिर्फ, नंबर 1 और नंबर 8 जनाब। हेलो हेलो हेलो। वेल जनाब, सिर्फ ये कुछ सेकंड्स के बाद पता चल जाएगा कि गेम शो ऐसे चलेगा सीजन 8 का चैंपियंस कौन बना है। जनाब आपके सामने अनार भी लगना स्टार्ट होगा, यहाँ पर टीम आ चुकी है, इलेक्ट्रिक अनार है। जैसे ही 10 लाख वाला जैसे ही 10 लाख वाला डिब्बा खुलेगा, यानी कि ब्रीफकेस खुलेगा जनाब, जैसे ही 10 लाख वाला ब्रीफकेस खुलेगा, वैसे ही पता चल जाएगा कि सीज़न आठ का टाइटल कौन सी टीम जीती है। वल जनाब, हम आपको लेकर चलते हैं दूसरी तरफ और ये मैच जनाब आखिरी मराहल में दाखिल होने वाला है, बिल्कुल आखिरी मोमेंट जनाब आपके सामने है। मेरा दिल धक 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 कर रहा है और अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं ऑडियंस से पता कर सकूं कि 10 लाख रुपए ब्रीफकेस नंबर 1 में है या ब्रीफकेस नंबर 6 में है। फैसला होने वाला जनाब, अनार लग चुके हैं, मैं आपको बता नहीं सकता इस टाइम पर, मुझे इतनी गुदगुदी हो रही है और मेरा दिल इतना धक 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 कर रहा है। अब जनाब बस कुछ मराइल बाकी है और ये खुलने वाला है। वल जनाब, और आखिरी मोमेंट, बिल्कुल आखिरी मोमेंट, और ये स्टेप अब मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा जनाब। दानिश भाई सामने यूट्यूबर्स के और इंस्टाग्रामर्स के कंटेस्टेंट वहाँ पर मौजूद हैं, टिकटॉकर्स के और चैंपियंस के कंटेस्टेंट वहाँ पर मौजूद हैं और फिर से दानिश भाई ने यहाँ पर ट्विस्ट किया और ब्रीफ केस को नहीं खोला। एक अच्छा ट्विस्ट था देखने वालों के लिए और आप लोगों के लिए। बस मुझे इंतज़ार है उस मोमेंट का, वो मोमेंट मुझे कैप्चर करना है कि जब ब्रीफ केस खुलेगा और जो टीम, वैसे टिकटॉकर्स वो टीम है जो आज तक वैसे टिकटॉकर्स वो टीम है जो आज तक गेम शो का टाइटल नहीं जीते हैं। हालांकि जनाब टिकटॉकर्स को पता है और ये ब्रीफ केस खुलने वाला है। फिर से वेल जनाब, एक और ट्विस्ट। वेल जनाब, जो मैंने आपसे कहा था कि सरप्राइज, या सो जनाब सरप्राइज ये था जो मैंने आपको बताया था, सरप्राइज ये था कि गेम शो ऐसे चलेगा जो अगला शो हमारा होगा उसमें कंटेस्टेंट नहीं होंगे, उसमें टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स, चैंपियंस नहीं होंगे। ये था सरप्राइज आप लोगों के लिए और दानिश भाई ने वो सरप्राइज अभी दे दिया है।
वेल जनाब तो मोमेंट आ चुका है, आखिरी लम्हा, दो ब्रीफ केस, नंबर 1 और नंबर 8, और ये ब्रीफ केस खुलने वाला है। ब्रीफ केस जनाब खुलने वाला है और मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं कहाँ पे जाऊँ, क्योंकि दानिश भाई ने बहुत ही ज़बरदस्त सस्पेंस क्रिएट कर दिया है। यहाँ पर टिकटॉकर्स के कंटेस्टेंट वहाँ पर मौजूद हैं, चैंपियंस वहाँ पर मौजूद हैं, यूट्यूबर्स यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल आखिरी मरहला, बिल्कुल आखिरी मोमेंट जनाब आपके सामने है और ब्रीफ केस खुलने वाला है। फैसला हो गया, गेम शो ऐसे चलेगा सीजन 8 का जो टाइटल जीता है वो जीता है जनाब टिकटॉकर्स ने। जबरदस्त मोमेंट्स, बेस्ट मोमेंट जनाब आपके सामने हैं और ये मोमेंट सिर्फ और सिर्फ गॉसिप गुरु जनाब आपको दिखा रहा है। और पहली बार जनाब सीजन 8 का टाइटल जीता है टिकटॉकर्स ने। अब व्लॉग को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद है ना मोमेंट चेक करें जनाब, इलेक्ट्रिक अनार फायर कर दिए जनाब शानदार मोमेंट्स आपके सामने हैं। बेस्ट मोमेंट जनाब और टिकटॉकर्स अपनी जीत का जश्न मनाते हुए और गेम शो ऐसे चलेगा सीजन 8 का पहला टाइटल जीते टिकटॉकर्स। वेल जनाब आपको नीचे लेकर चलेंगे, सारे लोगों से आपकी बात करवाएंगे, जब तक साथ रहिए। वेल जनाब गेम शो ऐसे चलेगा सीजन 8 का टाइटल जीता है टिकटॉकर्स ने और जितने भी हमारे सीजन्स हुए उसमें से पहला सीजन जीता है टिकटॉकर्स ने जनाब। लवली मोमेंट्स आपके सामने हैं, रबीका के आंखों में खुशी के आंसू। बहुत बहुत मेहनत की इस बार टिकटॉकर्स ने, रबीका ने बहुत शानदार खेला, जबरदस्त खेला। रबीका क्या हम आपसे बात कर सकते हैं? कर सकते हैं बिल्कुल, थोड़ी देर बाद। ओके अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं, खैरियत से? तो जनाब इस वक्त मेरे साथ रबीका काशिफ खान के वाली साहब मौजूद हैं। सर सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। जी बिल्कुल, अब तो मुबारकबाद बनती है क्योंकि हम सब इंतज़ार में थे कि ये कौन सा सीज़न होगा जो टिकटॉकर्स जीतेंगे। मेहनत करते थे और हमेशा टॉप पे होते थे, बस एलिमिनेटर में या आपको पता है क्वालिफायर तक पहुंचने के बाद फिर एलिमिनेटर में आके एलिमिनेट हो जाते थे। तो ख़ास बात ये कि पहला फाइनल खेला और पहली बार विनिंग, तो बड़ी अच्छी बात है। वेल डिजर्विंग टीम थी इस पूरे सीज़न की। काशिफ भाई एक सवाल मैं आपसे और ये पूछना चाहूँगा कि जब कभी कभार रबीका कन्फ्यूज़ हो जाया करती थी, घबरा जाया करती थी, तो आपकी तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शंस होती थी रबीका के लिए कि रबीका तुम्हें ऐसा खेलना है, इस तरह परफॉर्म करना है? देखिए मोटिवेशन तो हम कोशिश करते हैं हमेशा से ही, और जिन जिन गेम्स में ये वीक होती थी तो मेरी कोशिश ये होती थी कि उसकी प्रैक्टिस हो, और कभी कभी डांटते भी थे हम, कभी प्यार से समझाते थे, और ख़ास तौर पर गाना जो है वो इसका बेहद शौक है, तो हम इसी कोशिश में रहते थे कि ये गाना जो है वो रबीका का बहुत डिफरेंट हो, कुछ नया हो। एक तो वो कुछ गाने थे जो चल रहे होते थे और सबको वही मिल रहा होता था, लेकिन ये कि उसको शौक़ भी है तो हमारी ख्वाहिश यही होती थी कि गाना जो है वो अलग हो, पसंद का, और एटलीस्ट पॉइंट्स जो हैं वो गाने के रबीका को ही मिले। तो बहुत बहुत शुक्रिया एंड अगेन थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन। वेल जनाब तो इस वक्त हमारे साथ काशिफ भाई मौजूद थे, रबीका के वालिद साहब जनाब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। आज सेट का एनवायरनमेंट ही कुछ अलग है जनाब, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गहमा गहमी है और चार्मिंग रुमाल जिसका नाम मैंने दिया था लकी रुमाल, चार्मिंग रुमाल यकीनी तौर पे हुसैन के लिए। हुसैन बैठ दो, दिखा दो, बैठ दो जनाब, जीत गए बैठ। हुसैन क्या फीलिंग्स हैं सिर्फ ये बता दो, आंखों में आंसू चेक करें, आंखों में आंसू दिखाएं करीब से। अरे खुशी के आंसू, अरे खुशी के आंसू चेक करें। नहीं आंसू नहीं, खुशी के आंसू हैं यार, क्या फीलिंग्स है पहले ये बताइए। यार फीलिंग्स यही है कि बहुत वेट किया है, बहुत वेट किया है। नहीं मेरे लिए नहीं, ये तेरी मेहनत है। मैं एक चीज़ बोलूँगा, दोनों का आ गया। एक मिनट वहाँ दिखाना है कुछ मुझे, तो उसको बोल कैमरा अपना। ये मेरी तरफ से हुसैन को गिफ्ट, कि मैं छुपा के रखा था कि मैं आधे शो में पहना भी था बीच में क्योंकि मैं हारा हुआ था ना, तो अब ये हुसैन जो है ना, अब हुसैन पहनेगा, मेरी तरफ से तेरे को गिफ्ट। अभी पहनेगा ये हुसैन, अभी पहनेगा भाई। जनाब लारे अपने बहुत जबरदस्त, नहीं कर पाया बट ये कर गया, बहुत जबरदस्त सरप्राइज है, बहुत जबरदस्त गिफ्ट है जनाब हुसैन के लिए। द चैंप इज हियर, नेवर गिव अप। और जनाब जबरदस्त
जी हुसैन, क्या क्या तासुरात हैं, क्या फीलिंग्स हैं ये बताएं पहले। फीलिंग्स बहुत अच्छी भी हैं और फीलिंग्स थोड़ी बुरी भी हैं कि यार मतलब सामने यूट्यूबर्स थे। और बात ये कि हमारी कोई लड़ाइयाँ नहीं है, मतलब जितने भी टीम्स हमारी लड़ाइयाँ नहीं है, सबसे अच्छी बात ये थी। और फीलिंग यार मैं बहुत वेट किया है इसका, बहुत वेट किया। और आपको मैं सच्ची बात बताऊं, मुझे तो पता नहीं था, खैर अभी ये सीज़न एंड हो जाएगा और हम लोग नहीं आएंगे, बट मैंने उनको पहले ही बोला था ये मेरा आखिरी सीज़न है, उसके बाद मुझे खुद पे भी फोकस रखना है और मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा बैट लेने के लिए। और गेम चेंजर थ्रू आउट मैंने ही खेला है और वो इतना भरोसा रख के मुझे बोलते थे कि आप ही खेलो एलिमिनेटर्स क्वार्टर फाइनल, हर उसने मुझे यही बोला है इन दोनों ने, तो मैं आपको बता नहीं सकता। और सबसे मेन चीज़ मैं अकेला नहीं जीता, मेरे साथ दोनों ने बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मैं कहीं पैनिक किया तो उन्होंने मुझे समझाया, कहीं वो पैनिक किया तो हम एक दूसरे के साथ खड़े हुए थे। द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग ऑफ दिस विक्ट्री इज दिस कि हम लोग एक दूसरे के लिए खड़े हुए थे, क्योंकि इस पैनिक सिचुएशन में हम लोग, मैं बता रहा हूँ मैंने बहुत सीज़न खेले, मैं बहुत पैनिक किया जाता, बस मैंने अपने आप को ये सीज़न में चेक किया है कि इस पूरे सीज़न में मैंने अपने आप में बहुत चेंज महसूस किया, तो वो चेंज की वजह से मेरी जीत है। मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ थी और मैं जब हारता था जब वो ये बोलती थी कि बस आ जाओ अब घर से दूर, हैदराबाद से कराची अकेले रहना, अपनी माँ के हाथ का खाना नहीं खाना, बस ये। एक बार फिर से हुसैन कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत जनाब आपको मुबारक हो। जनाब बाकी के जो कंटेस्टेंट यहाँ पर है कोशिश करेंगे वन बाय वन करके उनसे भी मुलाकात करवा सकें। आप सिर्फ यहाँ का सिनेरियो इस वक्त चेक करें, हर बंदा जनाब व्लॉग बनाने में मसरूफ है और मुझे, मैं चाह रहा हूँ मुझे कोई मिल जाए। मीर जंगी, मीर जंगी इधर तो आ जाओ, क्यों डर रहे हो भाई, क्यों डर? मैं तुम्हें मिला का मीर जंगी, पहले तो ये बताएं कि पहली मरतबा ऐसा हुआ कि टिकटॉकर्स टाइटल जीते, वरना अभी तक टिकटॉकर्स टाइटल नहीं जीते थे, क्या टिकटॉकर्स की किस जीत ने, किस चीज़ ने उनको जितवाया आज? यार सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा, मुझे बहुत खुशी हुई कि टिकटॉकर्स जीते, क्योंकि पहली बार जीते हैं और उन्होंने मतलब वो पीछे नहीं हटे, उन्होंने जैसे खेला और खुल के खेला, कॉन्फिडेंस उनका हाई लेवल पे था, जो सामने वाली टीम के लिए बहुत ख़तरनाक बात थी क्योंकि वो प्रेशर ले रहे थे, तो इनका उनका कॉन्फिडेंस ने, मुझे लगता है इनकी कॉन्फिडेंस ने इनको जितवाया जैसे मेरा था सर। अगला जो सीज़न स्टार्ट होगा उसमें कंटेस्टेंट नहीं होंगे, जैसा कि दानिश भाई ने अनाउंसमेंट की, सिर्फ हमारे पास ऑडियंस होगी, तो इस हवाले से क्या मैसेज है आप? यार इस हवाले से मैं, मुझे सुन के अच्छा लगा क्योंकि कुछ चेंज होना चाहिए और हमें भी कुछ गैप मिलना चाहिए, और ये बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया आप लोगों ने कि अगले सीज़न में सिर्फ ऑडियंस होगी, क्योंकि कुछ चेंजिंग्स आनी चाहिए। ये मीर जंगी थैंक यू सो मच जनाब, थैंक यू सो मच। उमेर हमारे साथ मौजूद है भाई, रॉकी रॉकी आया, रॉकी आया, रॉकी आया, शेर आया, यार यू आर अ लॉयन यार। नहीं बहुत मेहनत करी भाई इसके लिए, अभी एक एक चीज़ लिखना करना, एक चीज़ रॉकी बनना, मैं समझता हूँ कि आसान चीज़ नहीं होती, रॉकी बनना बड़ा मुश्किल काम है यार, कैसा फील कर रहे हैं बताइए? बहुत खुशी हो रही है, बट ये कि अब कभी स्टार्ट होता है कब नहीं होता, अगला कुछ पता नहीं है, अगले होंगे तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, अब आपसे पता नहीं कब मुलाकात होती है, इसलिए मोहब्बत अल्लाह मालिक है। यार बेस्ट विशेज, यार बेस्ट बेस्ट विशेज फॉर यू। वेल जनाब रबी का इतनी मसरूफ़ है कि मुझे मौका ही नहीं मिल रहा रबी का से बात करने के लिए, मैं चाहूँगा। वेल जनाब ये देखें, पहले ये लड़की पहले रो रही थी और अब मुस्कुरा रही है, पहले रो रही थी और अब ये लड़की मुस्कुरा रही है, जैसी नबील से बात होती है। हम रबी को कुछ ज्वाइन करेंगे, रबी का हम आपसे बात कर सकते हैं? रबी का से हम हमेशा की तरह ऊपर बात करेंगे। ओके जनाब, वाल जनाब अब आपको लेकर चलते हैं, अब आपको लेकर चलते हैं सर, अगर कोई खड़ा है तो मिल गई जनाब शहताज खान, मिल गई है। कैसी हैं? ऊपर बात, ऊपर बात, चलो भैया लाइट कम है, ऊपर बात करेंगे, लाइट्स खुल जाएंगी, अभी लाइट्स खुलने वाली हैं, जैसे ही लाइट्स खुलेंगी व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे, साथ रहिएगा। बल्कि नहीं 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 नहीं, हम व्लॉग को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन, जीत गए। कहाँ जा रहे हो सेलिब्रेशन करने? सेलिब्रेशन करने आप देखो, जहाँ हुसैन लेके जाएगा वहीं जाएंगे। हुसैन की तरफ से ट्रीट बाकी? हाँ हुसैन ट्रीट, हुसैन ट्रीट दे रहे हो ना। अच्छा जितने भी आपके फैंस हैं टिकटॉकर्स के, जिन जिन लोगों ने दुआएं की, उन तमाम के लिए आपको क्या मैसेज? आपको बताता हूँ, कल रात में 2 बजे बैठा हुआ था, इस तरफ आइए, आप इस तरफ आइए, आप बताएं। कल मैं बैठा हुआ था और कल मैंने अपने DMs खोले, मैसेज रिक्वेस्ट खोले और मैंने सारे टिकटॉकर्स जितने भी टिकटॉक के फैन थे, मेरे हिसाब से ना मेरे पास अगर अंदाज़ा बताऊं कितने थे, वहां तो 99+ लिखा हुआ था, अंदाज़ा 300 या 400+ उसी रात को मैसेज आया था, उस रात से पहले कि आपको जीतना है। मैंने सारे एडिट्स देखे, मैंने अल्लाह से इतनी दुआ की कि हमें जीतना है और मेरे हिसाब से मेरे फैंस भी
जितने भी टिकटॉकर टीम टिकटॉकर्स के फैन हैं उन सबकी दुआएं थी, तो उसकी वजह से हम जीते और हमारी टीम के अंदर जो कोऑर्डिनेशन थी आज वो बहुत 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 एक दूसरे के अंदर जो भरोसा था ना वो मैं कह रहा हूँ वो हम लोगों को ऊपर लेके गया है। टीम यूट्यूबर्स बहुत बहुत टफ टीम है, बहुत टफ टीम है, जो इंस्टाग्रामर्स को हरा सकती है, चैंपियंस को हरा सकती है, तो वो हमें भी हरा सकती थी, लेकिन हम लोग अपना कोऑर्डिनेशन नहीं छोड़े। हुसैन ने पहले कहा था कोई टीम से फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ गेम्स खेलना है, जीतने से फ़र्क नहीं पड़ता। जितना हुसैन रबीका का आता है हम लोगों की एज अ टीम हम विन किए हैं इस बार, और हुसैन आज माइंड ब्लोइंग खेला है माशाल्लाह से। हुसैन के लिए थम्स अप, और ऐसे ही इंशाल्लाह अगर अगली बार फिर कभी मौका मिला तो हम खेलेंगे। थैंक यू सो मच, मुबारकबाद भाई, थैंक यू सो मच भाई, बेस्ट विशेस फॉर यू। और जनाब इस वक्त जनाब हमारे साथ यहाँ पर इमरान मौजूद है, इमरान से बात कर लेंगे। इमरान वालेकुम अस्सलाम, सलाम तो आपने किया कर लिया कर लिया कर लिया, कैसे हैं आप? ठीक हैं। ये बताएं कि टिकटॉकर्स जो आज का ये टाइटल जीता है भाई, सबसे पहले क्या क्या चीज़ जितवाइए टिकटॉकर्स? सबसे पहली बात तो ये है कि मेरी सपोर्ट शुरू से टिकटॉकर को थी। दानी भाई ने पूरे सबसे पूछा कि किसको सपोर्ट कर रहे हो, मैंने कहा टिकटॉकर, सब ने बोला यूट्यूबर। खैर यूट्यूबर को भी सपोर्ट थी, वो भी इक्वल टीम है मेरे लिए, बराबर है, और लेकिन मेरा सजा जो दिल था वो क्योंकि मेरी एक्स टीम थी, एक्स टीम की वजह से मेरी सपोर्ट उनकी थी, और माशाल्लाह से उनकी किस्मत यार, और इतने बार वो लोग हारे हैं, नाकामी हुई है, इस बार तो कामयाबी बनती थी, क्योंकि अल्लाह ताला सब्र देखता है, सब्र देखता है, और सब्र की वजह से अल्लाह ताला कामयाबी देता है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि हर नाकामी के बाद कामयाबी आपकी होती है। अल्लाह ताला सिर्फ इंसान का सब्र देखता है कि सब्र कितना है इसके अंदर। तो कल हम लोग आ रहे तो मेरे को समझ में आ गई थी कि इंशाल्लाह हमारी भी कामयाबी होगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा टिकटॉकर के चाहने वालों को कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत अच्छा लगा इनकी जीत पे। जी इमरान थैंक यू सो मच। वेल जनाब इस व्लॉग को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, साथ रहिएगा। जनाब इस वक्त हमारे साथ एक ही फ्रेम में रबीका और शहताज मौजूद हैं, दोनों से एक ही साथ बात करूँगा। शहताज आपने लास्ट टाइम कहा था मेरे व्लॉग में कि मैं टिकटॉकर्स को सपोर्ट कर रही हूँ, और आज टिकटॉकर्स जीत गए, क्या कहेंगे? यार मैं बहुत खुश हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ, क्योंकि टिकटॉकर्स वो टीम थी भाई जो हमेशा मेहनत करती थी, क्वालिफायर खेलती थी, एलिमिनेटर खेलती थी और घर चली जाती थी, तो बहुत बुरा लगता था। अपनी जीत ठीक लगती थी बट इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, और आज दिल से इतनी खुशी हो रही है रबीका के लिए, हुसैन के लिए, और बहुत 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 अच्छा लगा कि टिकटॉकर्स विन किए हैं। आपने पूरा 3 घंटे का शो देखा है बैठ के, तो टिकटॉकर्स जो आज ये टाइटल जीते हैं तो किस चीज़ ने उनको ये टाइटल जितवाया है? उनकी मेहनत ने, खास तौर पे लोगों की दुआओं ने, और जो है क्या नाम है, जो हुसैन ने मेहनत की है एंड तक, जो रबीका ने, जो जैजी ने मेहनत की है, और यूट्यूबर्स भी बहुत अच्छा खेले, उन्होंने भी कोई बुरा नहीं खेला, वो भी अपनी पूरी मेहनत पे थे। बस ये है कि हर किसी का दिन होता है, तो आज टिकटॉकर्स का दिन था। तो जी रबीका में तब्दीली थी, रबीका में बहुत तब्दीली। क्या तब्दीली थी? वो बहुत पैशनेटेड होकर अपना गेम जो है वो खेल रही थी, और वो चाह रही थी कि मैं हर पॉइंट लेकर आऊँ, बस जो साथ दे रहा था वो आ रहा था, जो साथ नहीं दे पा रहा था वो नहीं आ रहा। सरताज खान थैंक यू सो मच। वेल जनाब इसको कंटिन्यू करेंगे, साथ रहिए। वेल जनाब तो इस वक्त हमारे साथ गेम शो ऐसे चलेगा सीजन 8 के होस्ट मौजूद हैं, दानिश भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो फराज? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, दानिश भाई आप खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। दानिश भाई सीजन 1 से लेके सीजन 8 तक का जो हमारा सफर रहा है कंटेस्टेंट के साथ, उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अच्छा एक्सपीरियंस वैसे अगर पूछना तुम्हें चाहिए तो प्लेयर से पूछना चाहिए, मैं तो सबको एक ही तरह ट्रीट करता हूँ यार। बस मेमोरीज़ हैं इन बच्चों के साथ बहुत सारी, सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हमारे चैनल की बहुत सारी मेमोरीज़ हैं। जितनी मेहनत मैंने की है उतनी ही इन बच्चों ने भी मेहनत की है। अब मैं थोड़ा सा मिस करूँगा इन लोगों को, क्योंकि जो नया सीज़न स्टार्ट हो रहा है उसमें मैं ऑडियंस के साथ जाऊँगा, जैसा कि पहले खेला करता था उसी तरह, पोटली, ब्रीफ केसेस, लाख रुपये के इनामात और गाड़ियाँ और जितनी भी चीज़ें मैं देता था, बाइक्स हो गई या रियलिटीज़ हो गई, वो सारी चीज़ें दोबारा से आ रही हैं, तो मैं ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे थोड़ा सा अफसोस भी है इस बात का कि यू नो आप बच्चों के साथ खेल खेल के आपको ऐसा लगने लगता है कि ये आपकी फैमिली हो गए, तो मुझे बिल्कुल ऐसा फील होता था कि जैसे ये सारे मेरी फैमिली का हिस्सा है। दानिश भाई जब हमारा शो कंटेस्टेंट के साथ बहुत अच्छा चल रहा था, ज़बरदस्त चल रहा था, बाकायदा तौर पर ट्रेंडिंग में आता है, व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं, तो फिर हमने ये स्टेप क्यों लिया कि हम कंटेस्टेंट को हटाकर सिर्फ ऑडियंस को लेकर आएँ और कंटेस्टेंट को नहीं रखें? यार एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि कंटेस्टेंट्स के साथ ना इट्स बीन ऑलमोस्ट मोर देन 2 ईयर्स आई गेस, या अराउंड 2 ईयर्स तो हो ही गए। मुझे बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं और मुझसे कहते हैं कि वो भी हमारे गेम शो का पार्ट बनना चाहते हैं, तो मुझे वही बात जो है वो इतनी अपनाइयत लगती है उसके अंदर कि यार कोई मुझसे बोले कि मैं आपके गेम शो का हिस्सा बनना चाहता हूँ, तो इस बार मैं मौका दे रहा हूँ ऑडियंस को कि आप लोग आइए आइए यहाँ से खेलें और जीतिए। मुझसे ये ना कहिएगा कि मुझे ये वाली बाइक दे दें वो दे दें, मैं आपको किसी गेम में बुलाऊँगा
आइए उसी दिन बाइक लेके जाइए। थैंक यू सो मच। वेल जनाब, तो ऑडियंस के लिए है एक बहुत बड़ा सरप्राइज, ढेर सारे इनामात, बाइक्स, कार्स और उसके अलावा जबरदस्त गिफ्ट हैम्पर्स जनाब। तो हमने गेम शो ऐसे चलेगा के होस्ट दानिश भाई से बात की, उनका मैसेज आप तक पहुंचा है। अब आपको लेकर चलते हैं मेकअप रूम में, वहां पे जाके व्लॉग कंटिन्यू करेंगे, तो साथ रहिए। वेल जनाब, तो सारे कंटेस्टेंट से बात हो गई और इस वक्त हमारे साथ रबीका काशिफ खान मौजूद हैं, जिन्होंने शिद्दत से इंतजार किया, बहुत मेहनत की। जनाब मैंने अपने लास्ट व्लॉग में कहा था कि रबीका बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, आपको यकीनी तौर पर इम्प्रूवमेंट नजर आएगी और इम्प्रूवमेंट आज नजर आई। रबीका, आपको कल ये भी बोला था कि मैं तैयार होके आऊंगी और बालों में तेल लगा के आऊंगी, ऐसा मैंने आपको कहा था, बट कहते ना कि प्रैक्टिस आप करते तो छुपा के रखो, बताना नहीं किसी को, लोग देखेंगे। मैं ये सवाल आज करना चाहता हूँ आपसे कि आपने जो फाइनल तक पहुँची और फाइनल का माशाल्लाह टाइटल भी आप लोग जीत चुके, तो आप लोग कितने अरसे से मेहनत कर रहे थे? यार हम एक दो साल से मेहनत कर रहे हैं इस टाइटल को जीतने के लिए। यस यार, मेहनत तो नहीं कर रही क्योंकि गेम्स उन्होंने एंड टाइम में सारे चेंज कर दिए थे, और जब हम क्वालिफायर खेल रहे थे तो उसमें भी सारे गेम्स चेंज थे, हमारे लिए नए थे और प्रैक्टिस भी मना कर दी थी, ये सब अल्लाह ताला ने कराया हमसे। मतलब हमारे अंदर इतनी एबिलिटी थी कि हम नए गेम्स को खेल सकते हैं और हमें दिखा रहे हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल लूज नहीं छोड़ना खुद को, तो बस ये चीज़ जहन में थी तो इसलिए हमने करके दिखा दिया। बट डर तो वैसे भी आपको पता है कि फाइनल था, तो डर तो वैसे भी लगता है कि हम ये पॉइंट लूज कर रहे होते हैं तो वो सामने वाला खुश हो रहा होता है, तो प्रेशर भी आ जाता है, बट वो हमने कंट्रोल किया। हुसैन और जैदी ने मेरा बहुत साथ दिया, मैंने उनका बहुत साथ दिया, हम पूरी टीम ने एक दूसरे का बहुत साथ दिया और देखें अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी सवाल, जो आपके लाखों फैंस ने आपके लिए दुआएं की कि टिकटॉकर जीत जाएं, हमने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े, उन फैंस के लिए आपका क्या मैसेज है? ये जीत उन्हीं के लिए है, वो सब जो दुआएं करते थे ना, हमेशा हमेशा उम्मीद लगा के रखते थे कि टिकटॉकर जीते जीते जीते, आप क्यों हार जाते हैं, आप मेहनत करें, आप मेहनत भी करते किस्मत से हार जाते, बट अब की बार ऐसा हुआ कि किस्मत भी हमारे साथ थी, लोगों की दुआएं बहुत थी, बहुत ज्यादा दुआएं थी जब भी हम जीते। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत मुबारक आपको। वेल जनाब, वेल फाइनली मैं बहुत थक गया हूँ काम करके व्लॉग बना के। वेल जनाब, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने अपने व्लॉग में एक बात की थी शुरू में कि दानिश भाई आपको ऑडियंस को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देंगे, तो जनाब सरप्राइज़ ये था कि आने वाले वक्त में जो हमारे आने वाले शोज़ होंगे उसमें कंटेस्टेंट नहीं होंगे, उसमें सिर्फ ऑडियंस होगी। आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था, हमें और आपको रहेगा इंतज़ार। वेल जनाब, मेरा भी एक बहुत लाइक लंबा ताल्लुक रहा है व्लॉगिंग के हवाले से, इंटरव्यूज़ के हवाले से, चाहे उसमें टिकटॉकर्स हों, यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स, चैंपियंस, नए कंटेस्टेंट, पुराने कंटेस्टेंट, आई विल मिस ऑल कंटेस्टेंट ऑफ गेम शो ऐसे चलेगा। अब पता नहीं कि आने वाले वक्त में कब उनसे मुलाकात करने का मौका मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। वेल जनाब, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। और हाँ, अब ऑडियंस जो शो में आएगी वो कैसे आएगी, किस तरह आएगी, पासिस का क्या तरीक़ेकार होगा, किस तरह आप लोग आ सकते हैं, किस तरह नहीं आ सकते, सारी चीज़ें मैं आपको अपने व्लॉग में बताता रहूँगा। वेल जनाब, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला व्लॉग, ग्रैंड फिनाले का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लोग बोल नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलेंगे अगली दफ़ा एक नए व्लॉग के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।